गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। एज आर चैप्टर इज गोइंग ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टू, सो इन दिस चैप्टर टुडे वी विल स्टडी अबाउट अ टाइमलाइन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1919 टू 1947। जो इवेंट्स हुए, जो मूवमेंट्स हुई, दैट वी विल स्टडी, और कैसे हमें फ्रीडम मिली। 1919 रोलेट एक्ट, ऑलरेडी हमने पहले भी लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। द रोलेट एक्ट गेव पावर टू द ब्रिटिश टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। जो रोलेट एक्ट था, उसने पावर दी ब्रिटिश को कि वो लोगों को जेल में डाल सकते हैं बिना ट्रायल के, बिना कन्विक्शन के, कोर्ट के। मीन्स कोर्ट का कोई डिसीजन है या नहीं है, उसके बिना भी वो किसी भी पर्सन को जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी रीजन। द कोर्ट वॉज नॉट अलाउड टू डिसाइड वेदर द अरेस्ट वॉज राइट और रॉन्ग इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोर्ट को भी अलाउड नहीं था कि ये डिसाइड करना कि जिसको अरेस्ट किया दैट थिंग इज रॉन्ग, जिस बेस पे अरेस्ट किया या जिसको अरेस्ट किया है ये राइट है या रॉन्ग है लॉ के अकॉर्डिंग। विद द पैसेज ऑफ द एक्ट, एक्ट के पास होते ही द ब्रिटिश अरेस्टेड मैनी लीडर्स ऑल ओवर इंडिया। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया। इट ऑल्सो कंट्रोल्ड द इंडियन प्रेस विच स्प्रेड आइडियाज ऑन गेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। इन्होंने और क्या किया, साथ के साथ इंडियन लीडर्स को तो अरेस्ट किया ही किया, साथ में जो इंडियन प्रेस थी जो क्या करती थी, प्रिंटिंग करती थी। किस चीज़ को लेकर प्रिंटिंग करती थी, जो आइडियाज स्प्रेड करती थी कि हमें अपनी जो ब्रिटिश है लोग हैं उनसे फ्रीडम कैसे लेनी है, ठीक है, उस पर बेस पे जो प्रिंटिंग करती थी प्रेस, उस पर भी कंट्रोल कर लिया। एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या हुआ, महात्मा गांधी कोल्ड फॉर है सत्याग्रह। इसके रिजल्ट में ही महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जो कि सत्या पे मीन्स ट्रुथ पे बेस था और पीसफुल बेस था। देन वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर एट अमृतसर। क्योंकि देखो सत्याग्रह गांधी जी का क्या था कि हमें फ्रीडम भी लेनी है बट हमें वायलेंस नहीं करना, ठीक है, ठीक है, और शांति से फ्रीडम लेनी है। अब क्या हुआ, जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे आपने सुना होगा मैसेकर होता है हत्याकांड, अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर द ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, अमृतसर का जो मिलिट्री का कमांडर था उसका नेम था जनरल डायर, ये सबने आपने लर्न करना हैड बैंड ऑल पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस इन अमृतसर। तो उन्होंने बैन किया था कि पब्लिक की कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई प्रोसेशन, कोई जुलूस नहीं निकाले जाएंगे अमृतसर में। द लार्ज नंबर ऑफ मेन वीमेन चिल्ड्रन हैड असेंबल्ड पीसफुली, बहुत ज़्यादा मीन्स नंबर्स में औरतें, पुरुष, ठीक है, यू कैन से मैन वीमेन और चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे पीसफुली बहुत शांति से असेंबल हुए थे, ठीक है, विदाउट वेपन, बिना हथियारों के, वो जलियांवाले बाग अमृतसर में है जो कि वहाँ इकट्ठे हुए थे। किस लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट, शो करने के लिए देयर अनहैप्पीनेस विद द अरेस्ट ऑफ टू लोकल लीडर्स प्रोटेस्टिंग द रोलेट एक्ट। एक्चुअली उनके टू लोकल लीडर्स थे, वो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उसकी अनहैप्पीनेस को शो करने के लिए वो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे जस्ट। देन जनरल डायर ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड पीपल, जो बिना हथियार के लोग बैठे थे वहाँ पे, तो जनरल डायर ने वहाँ पे शूट करवा दिया आफ्टर क्लोजिंग द ओनली एग्जिट ऑफ द बाग। एग्जिट होते जाने का रास्ता, तो उन्होंने जो बाग का, जलियांवाले बाग का जो एग्जिट था, वो रास्ता था, उसको भी क्लोज कर दिया और फायरिंग करवा दी। थाउजेंड्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, हजारों लोग, इवन उसमें बच्चे भी थे, वर किल्ड एंड वाउंडेड, और जख्मी हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना नाइटहुड क्या, एक ओनर था जो उस टाइम ब्रिटिश किंग या क्वीन देते थे एक पर्सन को, मीन्स उनको एक सर का टाइटल मिलता था, आपने सुना होगा सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन्होंने ये जो सर उनको ऑनर में नाइटहुड मिला था, उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट कि हम, मैं भी क्रांति के साथ हूँ, तो ब्रिटिश लोगों को वो वापस कर दिया था। नाउ नेक्स्ट इज 1920 टू 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेम से ही समझ आ रहा है नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने चलाया था ये। महात्मा गांधी अर्ग्ड पीपल नोट टू पे टैक्सेस, महात्मा गांधी जी ने लोगों को समझाया कि हमें टैक्सेस पे नहीं करने, टू टेक अप स्पिनिंग एंड वीविंग, और कहा कि हमें खुद ही अपनी बुनाई, कपड़ों की वीविंग करनी चाहिए। टू बॉयकॉट, और बॉयकॉट करने के लिए कहा टू ऑल फॉरेन गुड्स, के जितने भी अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, फॉरेन की थिंग्स हैं, हमें वो यूज़ नहीं करनी है, हमें अपने देश की स्वदेशी चीज़ें यूज़ करनी है।
बॉयकॉट लो कोर्ट्स के लो हैं जो कानून है, हमें उनका कानून को भी, उनके जो लेजिस्लेटर हैं उनको भी नहीं मानना, एंड नोट सेंड चिल्ड्रन टू ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो इंडियन लोग हैं हम अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेजेस में भी नहीं भेजेंगे, ठीक है। देन द गवर्नर जनरल टुक हार्श मेजर्स टू स्टॉप द मूवमेंट। तो ये तो ऐसा ही आंदोलन था कि हमें उनको सहयोग नहीं देना किसी भी तरह से, तो जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने हार्श मेजर्स मीन्स बहुत क्रूली स्टेप्स उठाए इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर अरेस्टेड, और उन्होंने हजारों लोगों को अरेस्ट कर लिया। ऑन 5 February 1922 सम पीपल सेट अब्लेज अ पुलिस चौक की एट चोरा चोरी इन उत्तर प्रदेश इन विच 22 पुलिसमैन डाइड। तो जो 5 February को क्या हुआ 1922 को, कुछ लोगों ने आग लगा दी पुलिस चौकी में। कहाँ पे ये घटना हुई? चोरी चोरा एक जगह का नेम है जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे 22 पुलिसमैन जो थे डाइड हो गए, डेथ हो गई उनकी। अब महात्मा गांधी तो वायलेंस को साथ ही नहीं देते थे, वो वायलेंस लाइक ही नहीं करते थे, वो हमेशा चाहते थे कि अहिंसा होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वायलेंट एक्ट। अब ये जो लोगों ने ये एक्ट किया, ये जो आग लगाई, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी महात्मा गांधी जी ने ली, एंड कोल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसलिए जो कोल्ड ऑफ मीन्स जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया था उसको स्टॉप कर दिया। महात्मा गांधी एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर अरेस्टेड, महात्मा गांधी और हजारों लोग अरेस्ट हुए। देन है 1922 ऑनवर्ड्स स्प्रेड ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन बाय इंडियंस। मेनी फ्रीडम फाइटर्स सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जतिन दास, राजगुरु एंड बी के दत्त इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए हैं हमारे, जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए। अब महात्मा गांधी जी ने भी इंस्पायर किया था, पर वो कहते थे कि हमें शांति से करना है, पीसफुली करना है। बट अनलाइक महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी की तरह नहीं थे, दे डिडंट बिलीव इन पीसफुल, ये शांति में बिलीव नहीं करते थे, नॉन वायलेंस मेथड में बिलीव नहीं करते थे, एंड टुक अप आर्म्स, और इन्होंने तो हथियार उठा लिए टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। दे वर पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश फॉर डिफाइंग लॉज एंड टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट देम। क्योंकि उन्होंने टेकिंग अप आर्म्स मीन्स उन्होंने हथियार उठाए थे इनके खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, और उनके कानून को नहीं माना, तो इसलिए जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इनको डेथ मीन्स दे दी, फांसी दे दी। आपने सुना ही होगा कि हमारे जो फेमस नेशनल मार्टियर्स से जो शहीद हुए वो कौन कौन से थे, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, क्योंकि इन्होंने हथियार उठाए थे, ठीक है। और देवर क्रीमेटेड ऑन द 23 March 1931 ऑन द बैंक्स ऑफ द सतलुज रिवर, इनको फांसी दे दी गई थी। जो नेक्स्ट मूवमेंट हुआ दैट वाज 1930 सिविल डिसओबिडेंट मूवमेंट। डिसओबिडेंट से ही समझ आ रहा है कि हमें किसी चीज़ का कहना नहीं मानना, मीन्स जो सिविल, जो भी कानून या लॉ बनाए जाएंगे हमें उनका कहना नहीं मानना। All the Lahore session of the Congress in 1929 achieving complete independence of or Puran Swaraj from British rule was adopted as a goal. तो जो लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस में 1929 में, तो उन्होंने ये कंप्लीट मीन्स एक गोल बना लिया था कि हमें क्या करना है, एक स्वराज प्राप्त करना है, हमें अपने देश को हासिल करना है थ्रू द सोल्ट सत्याग्रह। तो गांधी जी ने क्या किया, सोल्ट सत्याग्रह, महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट, तो महात्मा गांधी जी ने सोल्ट को ब्रोक किया, जो नमक आंदोलन था उसको तोड़ा। क्योंकि उस टाइम क्या था बताती हूँ मैं आपको, लो ऑन 6 April 1930 एंड बिगेन द सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट। उस टाइम क्या था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो कहते थे कि उनके सोल्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग कोई और नमक नहीं बना सकता, जो कॉमन पीपल है स्पेशली। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सिविल डिसओबिडिएंट मूवमेंट यही किया कि उन्होंने सबसे पहले नमक कानून, जो नमक बनाओ का कानून है, ये तोड़ा। कि हम उन्होंने खुद नमक बना के दिखाया कि लोग हैं वो सबसे पहले खुद आए कि कैसे हमें अपने देश का नमक बनाना है। महात्मा गांधी मार्च, उन्होंने मार्च किया फ्रॉम साबरमती आश्रम इन गुजरात टू डांडी कोस्ट विथ 78 फॉलोअर्स एंड ब्रोक द सोल्ट लॉ। और इस तरह से जो नमक बनाओ आंदोलन था वो तोड़ा।
विच ओनली अलाउड द ब्रिटिश टू मेक सोल्ट इन दोज डेज. मैंने ऑलरेडी बताया कि उस टाइम सिर्फ ब्रिटिश लोगों को अलाउड था कि वो नमक बना सकते थे, बट गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेके, जो कि गुजरात में, वहाँ से लेके दांडी कोस्ट तक 78 लोगों ने इनको फॉलो किया और इस तरह से नमक आंदोलन जो कानून था उसको तोड़ा. थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वीमेन ऑल ओवर द कंट्री, यू कैन से, पार्टिसिपेटेड बाय मेकिंग सोल्ट. तो बहुत सारे लोगों ने, हजारों की संख्या में पूरी कंट्री में लोगों ने पार्टिसिपेट किया नमक बनाकर. द गवर्नमेंट अरेस्टेड मैनी, बहुत सारे लोगों को तो गवर्नमेंट ने अरेस्ट भी किया, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी. महात्मा गांधी को भी बीच में इंक्लूड करके. देन नेक्स्ट जो मूवमेंट था, दैट वॉज 1939 टू 1945, वर्ल्ड वॉर सेकेंड. अब वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड हुआ, विद द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1939, इंडियन पीपल एंड रिसोर्सेज वर यूज अगेन इन ब्रिटिश वॉर अगेंस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान. अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, तो उसमें जो जर्मनी, इटली और जापान के अगेंस्ट हुआ था, उसमें अगेन उन्होंने इंडियन लोगों ने जो, या इंडियन लोगों के रिसोर्सेज थे वो यूज़ किए गए वर्ल्ड वॉर में. इंडियन लीडर्स डिमांडेड द ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग द वॉर एंड द ग्रांट ऑफ कम्प्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर. अब इंडियन लीडर्स ने डिमांड की कि अब तो वॉर हो रहा है कि हमें पावर दे दी जाए वापस, एंड द ग्रांट कि जो आफ्टर द वॉर, कि वार के जब वॉर हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, उन्होंने इसलिए उसका साथ दिया था ब्रिटिश लोगों का कि हमें बाद में आप फ्रीडम दे दोगे, इंडिपेंडेंस मिल जाए एट द एंड ऑफ द वार. और जब भी वॉर ये एंड हुआ, द ब्रिटिश डिडंट ग्रांट, जैसे पहले उन्होंने किया था, तो उन्होंने कोई फ्रीडम नहीं दी द पीपल ऑफ द इंडिया, इंडिया के लोगों को कोई फ्रीडम नहीं दी. जैसे मैंने आपको वर्ल्ड वॉर पहले में भी बताया था कि उस टाइम भी इंडियन लोगों ने उन पर बिलीव किया था और उनको ये था कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, बट तब भी उन्होंने उनका ट्रस्ट तोड़ा था. तो इस बार फिर जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने जो इंडिया के लोग हैं उनका ट्रस्ट तोड़ा. सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी. तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जिसे आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है, टू फाइट द फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस. तो इंडियन इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए उन्होंने फाइट करने के लिए खुद की आर्मी बनाई. ही एस्केप टू रशिया, वो खुद रशिया भाग गए, देन टू जर्मनी, फिर जर्मनी एंड फाइनली टू जापान. ये नहीं कि उनको डर लगता था, एक्चुअली आपको भी पता है कि जब मूवमेंट्स चलते थे तो उस टाइम लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता था, तो वो नहीं चाहते थे कि वो किसी ब्रिटिश पीपल से उनकी डेथ हो या उनको कोई मारे, ठीक है. तो वो एक, यू कैन से, तो वो इसलिए वो रशिया भाग गए, जर्मनी भाग गए, बाद में जापान चले गए. Although the Indian National Army waged war on British India, तो even चलता रहा जो वॉर था, वो चलता रहा जो आर्मी की तरफ से था ब्रिटिश को लेके उनके अगेंस्ट. ही कुड नेवर रिटर्न टू इंडिया, तो इंडिया में वापस नहीं आए. उसके बाद नहीं पता चला कि क्या हुआ, उनकी डेथ हुई या कैसे, क्या बना उनके साथ. बट ये नहीं था कि उनको किसी से डर लगता था, बट वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी ब्रिटिश या जो अंग्रेज लोग हैं उनके हाथों उनकी डेथ हो. देन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला, मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन. महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942. तो आपने यहाँ पे इसकी डेट्स भी याद करनी है, अलग अलग मूवमेंट्स की, कब हुए ये मूवमेंट्स. टू अचीव कम्प्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया, के इंडिया को पूरी तरह से फ्रीडम मिलने चाहिए. अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एंड इम्प्रिजन्ड. हर बार की तरह अब भी बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, बहुत सारे कॉमन लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है. देन नेक्स्ट था जुलाई 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. द ब्रिटिश रियलाइज्ड, अब जो ब्रिटिश थे उनको रियलाइज हो गया दैट दे कुडंट नो लॉन्गर रूल ओवर इंडिया, कि अब वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल नहीं कर सकते, क्योंकि अब पता है आपको लीडर्स भी, कॉमन लोग भी अब उनके अगेंस्ट थे. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड इन 1947 में. जब ये एक्ट पास हुआ, द ब्रिटिश इंडिया बिकेम फ्री. तो इंडिया तो अब बिल्कुल फ्री हो चुका था, बट टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, वर क्रिएटेड बाय दिस एक्ट. इस एक्ट के थ्रू टू नेशंस बन गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान. उसके बाद हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है. तो हमें जो, यू कैन से, पीएम, यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1957. तो हमें जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त 1947 को, इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमें उस टाइम आज़ादी मिली, ठीक है. उसके बाद तो आपको भी पता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमारा खुद का संविधान बन गया, तो हमारा नेशन अब बिल्कुल फ्री था.
तो स्टूडेंट्स, इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, इस तरह से इंडिया को फ्रीडम मिली और इस तरह से स्ट्रगल किया गया. सो यू हैव टू लर्न दीज ऑल इवेंट्स विद द डेट्स एंड ठीक है, अच्छी तरह से डेट्स लर्न करनी है किसने ये मूवमेंट्स चलाया, दैट यू ऑल्सो हैव टू लर्न. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.